ओके हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करेंगे पैरोट। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमारा एक क्राफ्ट जो है पैरोट, वो हम आज करेंगे। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पैरोट का क्राफ्ट, राइट, जो हमारा बाकी है, आज हम वो सीखेंगे। हमने अब तक आगे जो किया है कौन कौन से क्राफ्ट कर लिए, हमने आगे कर लिया बोट एंड कैट। ओके, सो आज हम करेंगे पैरोट। तो चलिए देखते हैं पैरोट हमें कैसे करना है। आपको कोई भी एक क्राफ्ट पेपर लेना है, अगर आपके पास ऐसा पेपर है वन साइड कलर वन साइड वाइट तो भी चलेगा, दोनों साइड कलर वाला होगा तो भी चलेगा, और अगर ये कुछ भी नहीं है तो आप न्यूज़पेपर में से भी पेपर ऐसे स्क्वायर यूज़ करके ले सकते हो। चलिए पैरोट के लिए हम पेपर को रखेंगे पहले डायमंड शेप, देन हम उसको करेंगे हाफ फोल्ड लाइक दिस। ओके, अच्छे से उसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम उसे खोल देंगे एंड वी गॉट वन स्टैंडिंग लाइन, राइट। अभी हम यहाँ से उसको कॉन बनाएंगे, जैसे सबको आता है राइट टू सेंटर और लेफ्ट टू, ये जो सेंटर लाइन मिली है वहाँ पे हमें प्रेस करके कॉन बनाना है। ओके, सो ये बन गया कॉन, राइट। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो फोल्ड किया है सो यहाँ से हम पैरोट के लेग्स के लिए ऐसे पेपर को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे लाइक दिस। सेम इस तरफ भी हम फोल्ड करेंगे। ओके, अभी हमें ये जो सेंटर लाइन मिली थी वहाँ से हम इसको सेंटर में से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे उसके लेग्स जैसे आ गया है। ओके, ये पीछे उसकी टेल या फेदर्स अब जो भी बोलो, एंड देन आगे की तरफ ये फेस का पोर्शन है। सो अभी हम यहाँ से उसकी बीक बनाएंगे। ओके, अच्छे से प्रेस करके हमें फोल्ड करना है। अभी हम यहाँ से सिर्फ पीछे की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे लाइक दिस, यहाँ पे आगे दिखना चाहिए वैसे, और ये हो गई आपकी पैरोट रेडी। ओके, अभी हम पैरोट को स्टिक करेंगे। राइट, आपके पास कोई भी ग्लू हो चलेगा, मेरे पास ये वाला ग्लू है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और बैक साइड पे जहाँ पे ये बीक को पीछे की तरफ फोल्ड किया है हम वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आपके पास फेविकॉल या ऐसा कोई ग्लू है तो आपको बस थोड़ा सा ही लगाना है। ओके, और मैंने ये स्टिक कर दिया। ओके, यहाँ पे आपको स्टिक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नाउ अभी मैं यहाँ पे पैरोट की आईज ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। और अभी बाद में जैसे मैंने आगे दिखाया, आप पैरोट के बैकग्राउंड में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ट्री ड्रॉ कर रही हूँ, आपको कलर खुद करना है। ओके, आपको खुद कलर करना है। आप चाहो तो यहाँ पे सन ड्रॉ कर सकते हो। राइट, देन नीचे आप ग्रास ड्रॉ कर सकते हो और आपको वहाँ पे कलर भी करना है, आप वहाँ पे कलर भी कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा हो गया पैरोट। और अब सबको पता है कैसे कहाँ पे आप कलर कर सकते हो, राइट, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ओके,
सो आई होप आप लोगों को पैरोट बनाना आ गया होगा और उसके साथ बैकग्राउंड में हमें कैसे करना है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है बट आप करोगे तो आपकी पिक्चर, आपका जो पैरोट है वो थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। सो आप ये कर सकते हो जिससे आपका पैरोट और अच्छा दिखे। ओके, सो आई होप आप सबको ये कैसे बनाना है वो आ गया है और आप इसकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये आ जाएगा। ओके, बाय।